अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं जी तुहाडा वीर भूपेंद्र सिंह लवली और मेरा पिंड दे अज दे एपीसोड लई पंजाबी लहर दी टीम तुहानू लैके आई है जी कसूर दे इक पिंड चठियांवाला, जो पाकिस्तान दी हदूद दा एक आखिरी पिंड है। इस दे नाल ही कुछ ही मीटर दी दूरी ते भारत पाकिस्तान दी सरहद शुरू हो जाती है। ये करीब करीब नामी ग्रामी पिंडा विचों बेदियां, कतलुई कलां, वेगल, ग्रीनकोट, कादीविंड अते वरन शामिल हैं। इत्थों दे वसेंदे परिवार जो 1947 विच इत्थों उजड़ के चढ़दे आले पासे चले गए सन, अज 73 वरियां बाद भी उन्हां दियां यादां इस पिंड दे नाल जुड़ियां होइयां ने। भारत धरती दे बिल्कुल नाल होण दे बावजूद भी यह धरती इन्हां परिवारां लई 7 समुंदरों पार दी दूरी दे उपर है। इन्हां ही परिवारां विचों एडवोकेट सरदार हरपाल सिंह जी खारा दा परिवार भी है, जो अज 73 वरियां बाद भी अपने पिंड नूं याद करदा है। सरदार हरपाल सिंह जी दे वड वडेरियां विचों सरदार गुरबचन सिंह जी खारा, सरदार कश्मीर सिंह जी खारा, सरदार बघेल सिंह जी खारा, सरदार करतार सिंह जी, सरदार राबेल सिंह जी और इन्हां दे परदादा जी सरदार ठाकुर सिंह जी, जो उस वेले सफ़ेद पोश के नाम से मशहूर सन। सरदार हरपाल सिंह जी खारा जब पिछले साल पाकिस्तान आए तो वीज़े की बंदिश करके वो अपना पिंड तो नहीं वेख सके, पर इन्हां दी एक वीडियो बहुत ही वायरल हुई। सो आओ वेखदे आं वो वीडियो, नाल दे नाल सरदार गुरबचन सिंह ते सरदार कश्मीर सिंह कोलों सुनदे आं उन्हां दियां यादां ते कोशिश करदे आं कि इस पिंड दे विच कोई वसेंदा ऐसा बंदा लभे जो उन्हां दियां यादां नूं होर खूबसूरत बना सके। जदों असीं 72 साल पहलों इत्थे गए तो मैं आपदे परिवार 'च वेखना करना, लोकां ने कहना कि माझे वाले भाऊ इज्जत बड़ी करदे, तो मैनूं इसदा पता नहीं लगदा सी असीं इज्जत क्यों करदे। ओह तां करदे सी कि साडे वड्डे वडेरे इत्थों गए सी, इत्थों तहजीब ते अकल इत्थों सीखी सी। अगर दुनिया दे किसे, मैं बहुत देशों जा चुका, बड़ा घूम फिर चुका, पर मैं अज ये रिजल्ट कढ़िया जे तहजीब जा अकल सीखनी है तो जिन्होंने असीं नफरत करते रहे मुसलमानों नूं जां पाकिस्तान नूं, इन्हां तो आके सीख तुहानूं कोई समझ आ जाए कि असीं कौन सी ते साडी इज्जत किवें इत्थे हुंदी सी। सो मैं बेनती करूँगा कि सियासतदानां दे मगर सानूं नहीं लगना चाहिए। मुसलमान साडे भरा ने, बहुत चंगा देश है। मेरा अज जाण नूं इत्थों जी नहीं करदा पिया, मैं अज भी उन्ना इमोशनल, क्योंकि इहो जी रिस्पैक्ट सानू 72 साल दे विच सिखां नूं पंजाब जां सानू इंडिया च नहीं मिली। एक बंदे ने मैनू कहा, सरदार जी असीं तां शेरे पंजाब दे राज तो लैके अज तक ये महसूस करदे हां कि जिहड़े सिख ने एक खुदा दा रूप ने, असीं इन्नी इन्हां दी इज्जत करदे हां तुहाडी। इत्थे आके पता लग्गिआ साडा तां एक्चुअली देश ही आ। सो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सानू जिहड़ा इत्थे आउणा चाहीदा है ते आपदे भरावां नूं मिलना चाहीदा है। कोई नफरत नहीं, कोई किसी ने नफरत वाली गल नहीं की। नाम मेरा है गुरबचन सिंह, मेरे बापदाना है सरदार बघेल सिंह, उन्होंने बापदाना है ठाकर सिंह, ठाकर सिंह के बापदाना है गुरपाल सिंह। चट्ठियांवाला उत्थों का मेरा जन्म है, मैं 8 साल का सा पिंड चट्ठियांवाला, जिहड़ा कि हुण पाकिस्तान लाहौर डिस्ट्रिक्ट सी, ठीक है जी, तहसील कसूर सी, हुण डिस्ट्रिक्ट कसूर बन गया। सब तो थोड़ा घट कसूर है, मैनू माड़ी माड़ी याद आ, ठीक है जी। असीं लागे बां पिंड आए सन, उत्थे समान किसी घरे रखे, बाहर रोड साडा समान पिया सी, ठीक है जी। साडा जिहड़ा घर सी, मेरे दादा जी एक मौलवी मुसलमान हुंदा सी, उहनूं दे आए सी, ठीक है जी। यार बड़ा सी, मैं बीमार हो गया छोटा था, मैनू मौलवी ने बचाया सी, साडे नाल उहनां बहुत वड्डा लिंक सी, ठीक है जी। करके सारा घर दी चाबियां उहनूं दे आए सी। चाहुंदे हो उत्थे आदा घर देखना चाहुंदे हो? मेरा इक्को इरादा मन दी खास है भी एक तो धरती जान तो पहला पहला आपका एक देश वेखना, घर वेखना। उत्थों की कोई याद थानू हो? मैनू घर की याद है माड़ी माड़ी। साढ़े बेदियां तो राह आता जी, राह गुरुद्वारा आता है पिंड, बेदियां तो आइए सारे घरों निकलिए, सारी पिंड चो निकलिए, खब्बे हथ गुरुद्वारा बहुत होना। अजकल दसदे उत्थे लड़कियों का स्कूल बनया, हाई सकैंडरी स्कूल बनया, मेरे चाचे के मुंडे उत्थे गए थे, वो वेख के आए हैं। उसको गुरुद्वारे तो अगर आके फिर सज्जे हथ मुड़ के अगर बड़ा वड्डा हरा तख्त पोश होंदा ही गली छड्ड के, उहदे नाल साडा घर सी। मेरे दादा दादे उत्ते पहला घर सज्जे हथ मेरे दादे दे भरा वड्डे दा ही सुंदर सिंह दा, ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੈਗੇ ਸਮਾਇਲਪੁਰ ਨਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲਾਹੌਰ। ਇਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜੋ ਜੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫੈਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫੈਦ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੱਕੀ ਵੱਜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸਫੈਦ ਪੁਰਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪੋਨਾ ਕਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੰਜ ਭਰਾ ਸੀ। ठीक है जी। पंजा भरावां कार्य सारे इत्थे इसे बक्की दी साडे ते हुण तुहाडी एक दिली इच्छा कि तुसीं उत्थे आपदा घर देखना चाहुंदे हो। बाकी साडे पिंड च मुसलमान जिहड़े जमीन वाले कोई नहीं सी बाहर बेजमीने सी सारे। ठीक है जी। आई मुसलमान होए और जमीन साडीआं होंदी सी। बापू जी तुहाडा नां दस्सो पहिलां। नाम कश्मीर सिंह। ठीक है जी। बापू जी तुहाडा जन्म कित्थों दा है? मेरा जन्म जी चट्ठियांवाला पिंड दा। ये चट्ठियांवाला पिंड कित्थे है जी? कोई पाकिस्तान यार अपना। ठीक है जी। केड़े जिले च पाकिस्तान? लाहौर जिले च। पिंड वेखण नूं जी करदा आपदा? ना बड़ा जी कर उत्थे यार ही पिंड दा। जे अज तुहानूं उत्थे कोई आखे भी तुहाडा पिंड वेखणा तुसीं चलोगे नाल? फिर असीं चलां तैयार है जी। ठीक है जी। की नाम सी अपने पिंड दा दुबारा दस्सिओ? चट्ठियांवाला। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸਰਾਜਦੀਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਰਮਜ਼ਾਨ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਚਟਿਆਲਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਚਟਿਆਲਾ। ਅੱਛਾ ਕੋ ਵਾਸਤਾ ਕੋ ਤਹਿਸੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ? ਕਸੂਰ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ साहब कितना लावा पाकिस्तान तो बाहर है गया उस दिन मैं दसिया कैदा पढ़ता छोटा जहा। अच्छा कैदा पढ़ते थे? हाँ बच्चे। अच्छा ते इत्थे जेडे सिख भरा रहिंदे सी वीर आपस दे विच किदां मेल जोल किदां सीगा 47 तो पहले? बच्चे हुंदे निक्के हुंदे खेडदे रहिंदे निक्के निक्के खेडते रहे छोटे बड़े बड़े छोटे। ते इत्थे कौन कौन रहंदा सी इस पिंड च कोई नाम पता? होर गां नहीं पता भी रहियां चिरा पिछो ना याद रही। हां साहब दे दादे दा नहीं चेते ते तेरी वो की दस। हां इत्थे गुरुद्वारा किथे सीगा को पता? यार ये मुंडिया दसया जी। हां नाले गुरुद्वारा आ दाल गुरुद्वारा हां नाले गुरुद्वारा और कोई नहीं पता कि कौन कौन सरदार इत्थे रहंदे सी की नाम से नंबर बनाया मैंने सारे पिंड दे शीशे। अच्छा आ जेडे एलोपे पढ़ांदे सी तुहाडे उस्ताद वो भी सिख है सी? नहीं वो सब मुसलमान सन। अच्छा वो सारे मुसलमान सन जमात कराउंदे मसीह ते नमाज। अच्छा अच्छा कोई होर इदां दा बुजुर्ग है जेड़ियां सानू चार गल्लां दस दवे? होर पिंड च कोई नहीं है मेरे हाल सब पढ़ते। हवेली ये सारी सुरजन सिंह। अच्छा पुराने मकान के सरदारा दे समझ सामने वेली सी। कौन कौन रहंदा सी इथे? अच्छा पहलवान साडे कोल आए थे ना दसते ही यूपी सूपी से साढ़े को 250 किला जमीन से 250 किला कालिया सिंगत्रा इतने कसूर के सामने। अच्छा कालिया सिंगत्रा मस्तगढ़ जोड़े ने की चीज सी करता सिंह कड़का सिंह। कड़का सिंह सोने का बाजार है। सोने का बाजार दुकान खत्म हो गई। ये पता नहीं बंदर बंदर सारा कुछ यही हूँ पहले ताले तालाब रूप है गान सारा कुछ है सब कुछ वो तालाब है सात सीढ़ी तालाब सात सीढ़ियाँ से तालाब की हैं अच्छा हाँ सात सीढ़ी कुआं कुआं ही ठीक है सात यहाँ तो कार मोड़ी मार्जिन हाँ यार सारी दुनिया यहाँ बस हाल चलो बड़े ये था नहीं इसके साथ भी कहाँ है यहाँ चार दीवारी दर खतिया में आ सरदार साहब सारा कढ़ाया से अच्छा और गए धान वही आवाज जिस मार्केट में